हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाती हूँ दही बड़े कैसे बनाएं। तो मैंने ये मूंग की दाल सबसे पहले भिगो ली थी लगभग आधा किलो, और उसके बाद उसको मैंने पीस लिया था। आप चाहें तो घर में पीस लें या बाहर की मशीन पर। फिर इसको अच्छे से बीट कर लें, चाहे डिस्कर से कर लें या हैंडी से कर लें, या दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो हाथ से कर लें। और इसको तब तक आप पैसते रहें जब तक उसकी दाल वाइट ना हो जाए। दाल बिल्कुल वाइट हो चुकी है, और अब इसको चेक कर लीजिए। किसी भी बाउल वगैरह में पानी लेके आप इसमें एक स्पून डाल के देखिए, जैसे कि मैंने डाला है। अगर दाल ये ऊपर तैर रही है पानी में, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है बनाने के लिए। देखिए, इस ढंग से आप इसको चेक करें, और देखिए ये तैर रही है। बस इसके बाद मीडियम हॉट ऑयल अपना तैयार कर लीजिए, और उसमें इस ढंग से डालिए। बिल्कुल अच्छी सी शेप आएगी, दाल बिल्कुल गाढ़ी भी हो जाती है बीट करने के बाद। और इस ढंग से छोड़ने के बाद आप देखिए पूरी कढ़ाई लगभग भर चुकी है। बस जितने जगह खाली हो बस आप उतना ही डालें, और इसको आप ढंग से आप पलट पलट के सेकें जैसे कि मैंने सेका है। और देखिए, जो सबसे पहले डालते हैं वो सबसे पहले ही सिकना शुरू हो जाता है, तो उसको आप सबसे पहले ही पलटते हैं वरना वो जल जाएगा। और बिल्कुल मीडियम वाली फ्लेम पे ही सेकने हैं, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे अगर ज़्यादा हाई फ्लेम रखी तो। और ये देखिए, बस सेकने ये शुरू हो चुके हैं, कलर भी इनका चेंज होने लगा है, और थोड़ी देर में ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको सेकने में, अगर ढंग से दाल पीट करी हुई है। देखिए, सबका कलर ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। ये देखिए हो चुके हैं। अब इसको आप किसी भी एब्जॉर्बिंग पेपर पे उतार लीजिए, इससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा वो ये पेपर सोक कर लेगा। पेपर ऐसा ना हो तो किसी भी नैपकिन पे उतार लीजिए, न्यूज़पेपर पे उतार लीजिए, जो भी हो पेपर अवेलेबल। और अब इसके बाद देखिए, मैं ये ड्राई फ्रूट वाले बना रही हूँ, तो ड्राई फ्रूट में आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम तो कहना ही अच्छा लगता है इन चीज़ों में। इस ढंग से आप बीच में रखिए, उसके ऊपर थोड़ी सी दाल रखकर, और आप इसको गोल सी शेप देके सेकिए, तो मेवाएं जो होती हैं बिल्कुल इसके सेंटर में ही रहेंगी। देखिए, इस ढंग से मैं ये दूसरा भी बना रही हूँ, और देखिए बिल्कुल परफेक्टली बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।